हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। अभी बज रहा है मॉर्निंग का 10:30 और बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं और मैंने घर का सारा काम कर लिया है। और उसके बाद आज मैं बना रही हूँ गुजिया। कल की आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैंने खोया बनाया था, तो एक दिन में ना इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं बनती, तो कल मैंने खोया बनाया, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। तो आज मैं सोच रही हूँ कि गुजिया बनाती हूँ और देखती हूँ कितना हो पाता है, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल गए हैं। तो थोड़ा बहुत मैं अभी काम कर लेती हूँ, मतलब कि जो गुजिया का मसाला है वो तैयार कर लेती हूँ अभी, और देखूँगी फिर कितना कब बनाती हूँ, जैसे टाइम लगेगा। और मेरे बेटे का ना अभी बर्थडे भी आने वाला है, तो कल का दिन हमारा पूरा इसी में बिज़ी हो गया। थोड़ा बहुत उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेके आए हैं, उसके लिए इस बार हमने सोचा एक सरप्राइज़ गिफ्ट देने की। बस उसको जो चीज़ पसंद है, तो छोटी मोटी सी वो चीज़ें हमने उसके सरप्राइज़ गिफ्ट में रखी हैं। और उसका केक ऑर्डर कर दिया है हमने, मतलब ऑर्डर दे दिया है, और केक भी आप लोग को दिखाएंगे, बहुत अच्छा है, जो उसका फेवरेट है वही है, उसको बताया नहीं है हमने अभी ये बात। और तो इसलिए मैं ना थोड़े दिन पहले ही गुजिया बना रही, क्योंकि हम लोग को अभी घर जाना है उसके बर्थडे पे। बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोग घर पे ही करेंगे और 6 से बच्चों के एग्ज़ाम है, तो हमें फिर वापस आना पड़ेगा, तो शायद हम होली यहीं पे मनाएंगे। और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले ही गुजिया बना लेती हूँ, फिर बच्चों को आराम से पढ़ाई भी हो जाएगी बच्चों की, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम है ना बच्चों के। तो कल मैंने मावा बना के रख दिया था और उसके बाद रात को हम लोग गए थे मार्केट, और वहाँ से थोड़ा बहुत सामान वगैरह हमने लिया बच्चों के लिए। पिचकारी भी लेके आए हैं, पिचकारी भी मैं आपको दिखाऊंगी। और तो चलो फिर मैं स्टार्ट कर लेती हूँ गुजिया बनाना। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के आने से पहले मैं मसाला बना लूँ और आटा वगैरह गूंथ के उसका रख लूँ, ताकि मैं आराम से उनके साथ, वो लोग खाना वगैरह खाने के बाद मैं उनको पढ़ाते पढ़ाते गुजिया बना लूँगी। और ना बहुत मुश्किल होता है ना अकेले में, ना अच्छा भी नहीं लगता है कुछ भी चीज़ करना। तो अभी मैं ऐसी बैठी थी, तो अभी मैं नारियल को कद्दूकस कर लूँगी, उसके बाद जो भी मुझे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो चीज़ें मुझे फ्राई करनी है वो भी मैं साथ साथ में कर लूँगी, और साथ में मैं खाना भी बनाते रहूँगी और दोनों चीज़ें मेरी हो जाएंगी एक साथ। के वहाँ ना आज इतनी हवा चल रही है, मतलब ना बहुत गर्मी सी होने लग गई है धूप में, और आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। चलो फिर मैं कर लेती हूँ काम, जितना भी बच्चों के आने से पहले मैं निपटा लूँ उतना अच्छा है, बच्चों के आने के बाद ना और भी ज़्यादा ना काम बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर आपको किचन में लेके चलूँगी और किचन में अपनी तैयारी दिखाऊँगी, जो जो मैंने अभी तक करी है वो सब कुछ। तो मैंने नारियल कद्दूकस कर लिया है और अब मैं चलती हूँ किचन में और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है गुजिया बनाने की। तो सबसे पहले मैं खोए को ना फ्रिज से बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि मैंने कल उसको बना के फ्रिज में रख दिया था ना। अगर आपको उसी समय बनाना है तो आप उसी समय भी बना सकते हो, मैंने एक दिन बाद में बनाना था तो मैंने इसको फ्रिज में रख लिया था, अभी मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी गुजिया बनाने के लिए, मतलब मैंने क्या क्या चीज़ ली है, आप अपना अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो और भी सामान। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने लिए हैं काजू और बादाम, और ये हैं खरबूजे के बीज, और ये इलायची, इसको मैं अभी छील के इसके दाने निकाल लूँगी, और ये है नारियल जो कद्दूकस करके मैंने इस पर रखा है, और ये है चीनी, इसको मैं अभी मिक्सी में पीस लूँगी, और ये है खोया जो मैंने लिया है, कल बनाया था मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, और ये ली है मैंने आधा के जी सूजी, सूजी मैंने छान के ले ली है और अभी देखूँगी मैं कितनी डालनी है उस अकॉर्डिंग से। और ये है 250 ग्राम तक का घी ले रखा है मैंने, और अभी घी की ज़रूरत पड़ेगी तो और मैं घी लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो भी सामान मैंने लिया है वो मैंने आपको दिखा दिया है, और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि गुजिया मैं कैसे बनाऊँगी। और मैंने लंच के लिए भी दाल बना ली है और अभी मुझे चावल बनाने हैं, तो चावल मैं थोड़ा लेट बनाऊँगी, तब तक मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गुजिया बनानी मैंने स्टार्ट कर दी है, फ्राई पैन में रख दिया है घी मैंने ड्राई फ्रूट्स भूनने के लिए, और खड़े खड़े ना टाइम लग जाता है चीज़ों का, तो मैं सोच रही थी कि इलायची के दाने भी मैं अलग कर दूँ। और इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे के सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर दिए थे, थोड़े से घी में मैंने फ्राई किए थे, और उसके बाद इनको चॉप भी मैंने कर लिया था और सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया था।
तो इसी तरीके से मेरी सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी थी और उसके बाद मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे आटा। आटा लगाने के लिए मैंने इसमें घी डाल दिया था और घी डाल के ना आपको अच्छे से मिक्स करना है ताकि मतलब एक अच्छा सा डो बन के तैयार हो जाए इस तरीके से कि आटा आपके ना हाथ में मतलब मुट्ठी सी बन जाए। इस तरीके से दोनों हाथ से मैंने इसको तैयार किया, उसके बाद एक अच्छा सा इसका आटा तैयार कर लिया। और यहाँ पे मैंने सूजी भी भून ली थी और उसके बाद में मैंने सारे के सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स कट करे थे वो सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी और ये बहुत अच्छा सा मिक्सचर बनके हो गया रेडी। तो फ्रेंड्स, गुजिया बनाने की मेरी सारी तैयारी भी हो चुकी है, उसका मसाला मैंने बना लिया है और आटा भी लगा लिया है और बच्चे भी दोनों स्कूल से आ गए हैं, लंच वगैरह हो चुका है हमारा। तो अब मैं थोड़ी देर में फिर बनाऊंगी गुजिया आराम से, मतलब अभी बर्तन वगैरह किचन इतना ख़राब हो गया है ना क्योंकि ये सब चीज़ों में मैं लगे रही, फिर खाना वाना बनाया, फिर बच्चों को खाना खिलाया, तो बर्तन इतने सारे हैं तो पहले मैं वो सारा काम निपटाऊंगी, उसके बाद आराम से बैठ के गुजिया बनाऊंगी क्योंकि फिर गुजिया बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और उसके बाद ना गुजिया बनाने के बहुत थकान हो जाती है, तो इसलिए पहले सारा और काम निपटा लेते हैं उसके बाद फिर मैं गुजिया बनाऊँगी। और बच्चे देखो स्कूल से आके यहाँ पे मस्ती चल रही है इनकी, टॉफ़ी वगैरह खा रहे हैं और सारे कपड़े अभी ऐसे ही फैले, आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया, सब उसी में मैं लगी थी। शानू पानी से नहीं खेलो बेटा, बाहर अंदर आओ चलो। मैं आपको अभी किचन दिखाती हूँ, इतनी मैशी हो रही है ना, इतनी गंदी सी, ये देखो पूरी किचन ऐसे फैली पड़ी है क्योंकि ये मसाला वसाला तैयार किया ना, तो ये आटा मैंने इसमें रख दिया है ढक के, ये है आटा गुजिया का और ये है मसाला, तो ये भी मैंने ढक के रख दिया है और इसमें थोड़ी सी चीनी बची है, इसको मैं फिर कभी बना मतलब चाय वगैरह में डाल लूँगी। और ये देखो बर्तन पूरा सिंक मतलब ओवरफ्लो है, अभी और भी बर्तन है बाहर, तो पहले मैं इनको कर लेती हूँ उसके बाद फिर और काम करते रहूँगी। सबसे बड़ा काम है मेरा सिंक का बर्तन धोने का, तो पहले मैं उसको ही करूँगी उसके बाद ही मैं कुछ काम करूँगी। तो अब थोड़ी देर के लिए फ़ोन को रख देती हूँ मैं साइड में और जितने भी कपड़े और बर्तन वगैरह किचन विचन साफ़ करके। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है और बच्चों को दोनों को यहाँ पे पढ़ने बैठा दिया है क्योंकि इनका ना कल को एग्ज़ाम है, ओरल एग्ज़ाम है दोनों का। और उसके बाद अब मैं बना लेती हूँ गुजिया, तो यहाँ पे मैंने नीचे बिछाई है मैट क्योंकि नीचे बैठ के ना आराम से मैं बनाऊँगी और गर्मी ना काफ़ी ज़्यादा हो रही है, फ़ैन चलाया है पर फ़ैन में गुजिया बिल्कुल नहीं बनेंगी, सूख जाएंगी, तो फ़ैन भी ऑफ़ करना पड़ेगा और यहाँ ना गर्मी इतनी होने लग गई है ना। तो पहले मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ, तो बर्तन वगैरह मेरे हो गए हैं, यहाँ पे सामान है इसका भी वहाँ लेके जाऊँगी और ये गैस वगैरह मैंने क्लीन कर लिया है। चलो फिर अब मैं इन सामान को लेके जाती हूँ वहाँ बनाने के लिए, क्योंकि मुझे सामान चाहिए होगा, पहले मैं इसको रख लेती हूँ फिर वहाँ लेके चलूँगी। तो गुजिया बनाने के लिए मैं यहाँ पे सारा का सारा सामान लेके आ गई हूँ और इस बार मैं नया वाला लेके आई हूँ गुजिया बनाने के लिए, अभी पुराना वाला भी मैंने अभी धो के रखा है पर ये नया वाला है, देखते हैं इससे कैसा होता है। और ये है आटा जो मैंने ढक के रखा हुआ है, चकला बेलन, और अभी ना मैं थोड़ा सा मसाला लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, पता नहीं कितना बना पाऊँगी एक बार में, तो मैं बस अभी इतना ही मसाला लेके आई हूँ, फिर ना बच्चे गिरा देते हैं यहाँ वहाँ। और एक कटोरे में ले लिया है मैंने पानी, तो चलो फिर स्टार्ट करती हूँ मैं गुजिया बनाना और आप लोग भी देखिए। तो यहाँ पे मैं गुजिया बनाने लग गई हूँ और मैंने सारा सामान भी यहाँ पे रख दिया था, अब मैं उसके बाद मैं आटा ले लूँगी और उसको मतलब छोटा छोटा सा लोई बना के मैं उसकी बेल लूँगी और आटे को ना मैं उतना ही लूँगी जितना मुझे चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना आटा सूख जाता है। और गुजिया बनाने की ना फुल जो वीडियो है वो मैंने पहले ही चैनल में डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो, इसमें तो मैंने आपको खाली शॉर्ट में बता रखा है। तो सारी की सारी गुजिया मैंने इस तरीके से सब बनाई और ये बहुत अच्छी बनी सच में, और दो तीन गुजिया मेरी ख़राब हुई थी पर सारी की सारी गुजिया ना बहुत अच्छी सी बनी थी और खाने में भी ना मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो
और यहाँ पे ना गुजिया बनाते बनाते मैं दोनों बच्चों को उनका मतलब जो भी लर्न करना था एग्ज़ाम के लिए वो करवा रही थी, और बच्चे भी बोल रहे थे हम भी बनाते हैं, पर ना बच्चे बनाते तो नहीं है, ज़्यादा बिगाड़ देते हैं, बहुत छोटे हैं ना, ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो बड़े हो जाएंगे तो फिर देखेंगे, फिर वो बनाएंगे भी नहीं, मुझे पता है अभी उनको शौक लग रहा था तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने भी बनाया। और इसी तरीके से मैंने सारी की सारी गुजिया भर के बना के मतलब तैयार कर दी थी। तो ये गुजिया बनके हो गई है मेरी रेडी, अभी और भी गुजिया मुझे बनानी है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने थोड़ी बहुत गुजिया बना ली है और अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि फ्राई करने में भी ना टाइम लगता है, तो थोड़ी देर इनको फ्राई कर देती हूँ और थोड़ा देर मेरा भी रेस्ट हो जाएगा क्योंकि बैठे बैठे ना काफ़ी। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ी बहुत गुजिया बना ली है, अब मैं इनको पहले फ्राई कर लेती हूँ, मतलब गैस पर डाल देती हूँ, फिर धीरे धीरे अपने आप फ्राई होती रहेंगी। और बच्चों का भी ना एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनको भी पढ़ाना है, कल से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो इसलिए मैं धीरे धीरे आराम आराम से बना रही हूँ, बीच बीच में उनको भी पढ़ाते रहती हूँ। तो चलो फिर मैं किचन में रख लेती हूँ तेल, और उसके बाद इनको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करते रहूँगी ना, तो टाइम भी बच जाएगा, नहीं तो मैं सिर्फ गुजिया बनाने में रहूँगी और फ्राई करने में मुझे पूरी रात बैठना पड़ेगा। फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया, उसको मैंने अच्छे से एक बार गर्म कर लिया, फिर मीडियम फ्लेम पे गुजिया को अच्छे से मैंने कुक किया, और जो गुजिया मेरी फट रही थी ना उनको मैं साथ साथ में निकाल रही थी, नहीं तो पता है निकालेंगे नहीं तो उसका सारा ऑयल गुजिया के अंदर चला जाएगा और उसका मसाला ना बाहर आ जाएगा, तो फिर तेल भी ख़राब हो जाएगा और ना वो गुजिया बनेगी, तो इसलिए उसको पहले ही मैं निकाल ले रही थी। और तो इस तरीके से मैंने सारी गुजिया बना ली, और एक दिन में तो नहीं बन पाई, दो दिन लगे मुझे, मतलब थोड़ा सा मेरा बच गया था आटा। फ्रेंड्स जितना मैंने आटा मतलब गूंदा था उसका गुजिया का, वो मैंने बना ली है, और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी गुजिया बनाई है। ये बनाई है मैंने गुजिया, और एक थोड़ा मतलब एक बार की और बची हुई है, ये अभी मैं डालूँगी, और उसके बाद ये वाला मसाला मेरा बचता है आधा, आधे से थोड़ा कम है ये मसाला, मैं कल बनाऊँगी क्योंकि अभी आटा भी ख़त्म हो गया था, कल जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना फिर बनाऊँगी मैं ये। तो अभी मैं लास्ट वाला स्टॉक बना लेती हूँ, फिर मेरी गुजिया का काम हो गया कंप्लीट, फिर मुझे बनाना है डिनर, तो डिनर के लिए देखेंगे क्या बनाएं, तो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैंने बच्चों के साथ में काफ़ी इन्जॉय के साथ गुजिया बनाई, तो आई होप कि आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और इसका अगर वीडियो देखना है फुल तो आप चैनल पे देख सकते हो, जो मैंने गुजिया की फुल वीडियो डाली है। तो अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंडिंग करती हूँ, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तो नेक्स्ट ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोग के लिए, और तो बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में।